प्रधानमंत्रीए कहू कि वंदे भारत ट्रेन आजना अत्याधुनिक थता भारतनी शानदार तस्वीर छे। आ भारतनी स्पीड अने स्केल बनेरू प्रतिबिंब छे। तो अत्यार सुधी 10 एवी ट्रेनो शुरू थई चुकी छे अने 17 राज्योना 108 जिल्लाओ वंदे भारत एक्सप्रेस थी कनेक्ट थई गया छे। प्रधानमंत्री मोदीए गईकाले मुंबईनी एक साथ बे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनोने भेटावी छे। तो आ तीर्थयात्रियों माटे वरदायिनी साबित थशे कारण के वंदे भारत मुंबईथी साईधाम शिरडी चालशे। तो बीजी वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबईथी सोलापुरनी वच्चे चालवानी छे। वडाप्रधान मोदीए मुंबईमां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनसना प्लेटफॉर्म नंबर 18 बंने हाईस्पीड ट्रेनोने लीली झंडी बतावी हती। वंदे भारत एक्सप्रेस CGSMTથી સાયનગર શેરના 340 કિલોમીટર લાંબી દૂરીને લગભગ 5.5 કલાકમાં જ પૂરી કરશે। આ દરમિયાન ટ્રેન દાદરા થાણે કંસારા નાસિક રોડ અને સાયનગર રોડની વચ્ચે પર રોકાશે। GSMTથી સોલાપુરની દૂરી 6.5 કલાકમાં પૂરી કરવામાં આવશે। તો આ ટ્રેન દાદર કલ્યાણ કરજત લુણાવાના અને પુણેની વચ્ચે રોકાણ કરશે। મુંબઈની વાત કહીએ કે જ્યાં મુંબઈથી શિરડી માટે 10મી વંદે ભારત ટ્રેન થઈ છે। महाराष्ट्र महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों जेवा के नाशिक त्र्यंबकेश्वर साईनगर थी शनि सिंगणापुर जवा माटे वधारे सुविधा फाळवशे। आ बन्ने वंदे भारत ट्रेनोनी खासियत ए छे के बन्ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनोमां पार्किंग ब्रेक लगावामां आव्या छे। जे ट्रेनने धार स्थिर राखशे। GSMT शिरडी वंदे भारत GSMT थी सवारे 6:15 कलाके रवाना थशे। जे बपोरे 12:10 कलाके साईनगर शिरडी पहोंचशे। ज्यारे शिरडीथी पाछी आवनारी ट्रेन शिरडीथी 5:25 कलाके निकळशे। सवारे रात्रे 11:30 कलाके GSTથી પહોંચશે। ત્યારે અવસર પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે આ દિવસ ભારતીય રેલવે અને વિશેષ રૂપે મુંબઈ તેમજ મહારાષ્ટ્રની કનેક્ટિવિટી માટે ઘણો મોટો દિવસ છે। એક સાથે બે વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન શરૂ થઈ તેનાથી સૌને સુવિધા મળી રહેશે। મહારાષ્ટ્રમાં પર્યટન અને તીર્થયાત્રાને પ્રોત્સાહન આપનારી ટ્રેન છે। તો તેમણે કહ્યું કે વંદે ભારત ટ્રેન ભારતની સ્પીડ અને સ્કેલ બંનેનું પ્રતિબિંબ છે। અત્યાર સુધી 10 એવી ટ્રેનો શરૂ થઈ ચૂકી છે અને 17 રાજ્યોના 108 જિલ્લાઓ વંદે ભારત એક્સપ્રેસથી કનેક્ટ પણ થઈ ચૂક્યા છે। પીએમ મોદીની સાથે સાથે રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ, કેન્દ્રીય મંત્રી નારાયણ રાણે તેમજ કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલે, મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે, ઉપમુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પણ હાજર રહ્યા હતા। વંદે ભારત ટ્રેનોની શરૂઆત બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્રેનમાં સફર કરી રહેલા બાળકોથી પણ મળ્યા અને તેમની સાથે પણ વડાપ્રધાન મોદીએ વાતચીત કરી હતી। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया गया हर रुपया नए रोजगार की संभावनाएं बनाता है। इस पे जो सीमेंट लगता है, बालू लगता है, लोहा लगता है, निर्माण में मशीनें लगती हैं, इनसे जुड़ी हर इंडस्ट्री को बल मिलता है। इससे बिजनेस करने वाले मिडिल क्लास को भी लाभ होता है, गरीब को रोजगार मिलता है। इससे इंजीनियरों को रोजगार मिलता है, श्रमिकों को रोजगार मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तब भी सबकी कमाई होती है और जब तैयार होता है तो वो नए उद्योगों, नए बिजनेस के रास्ते खोलता है। भाइयों और बहनों, इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को कैसे मजबूती दी गई है, इस बारे में मैं मुंबई के लोगों को विशेष तौर पर बताना चाहता हूं। चाहे सैलरीड क्लास हो या व्यापार कारोबार से कमाने वाला मध्यम वर्ग, दोनों को इस बजट ने खुश किया है। आप देखिए 2014 से पहले तक क्या हाल था। जो भी व्यक्ति साल में 2 लाख रुपए ज्यादा कमाता था उस पर टैक्स लग जाता था। भाजपा सरकार ने पहले 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट दी और इस बजट में इसे 7 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। आज जिस कमाई पर मिडिल क्लास परिवार का टैक्स 0 है उस पर यूपीए सरकार 20% टैक्स लेती थी। अब ये युवा साथी जिनकी नई नई नौकरी लगी है, जिनकी मासिक आय 60-65 हजार रुपए तक की है, वे अब ज्यादा निवेश कर पाएंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के हित में काम करने वाली सरकार ऐसे ही निर्णय लेती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है
कि सबका विकास से सबका प्रयास की भावना को सशक्त करने वाला ये बजट हर परिवार को ताकत देगा, हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अधिक प्रोत्साहित करेगा। फिर एक बार मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को बजट और नई ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।